हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि कुल्फी स्टिक से हम कैसे छोटे मूर्ति के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो बिना किसी वक्त बेकार करके जो भी है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कुल्फी स्टिक्स, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, आपको कुल्फी स्टिक्स चाहिए होगा और आपको चाहिए होगा बेल पिन्स, स्टील पिन्स। ये 30 रुपीज़ का, सॉरी 30 रुपीज़ का आपको मिल रहा होगा। ये मिल जाता है ये स्टेशनरी के शॉप पे। तो ये दोनों चीज़ आपको, कुल्फी स्टिक्स जो आती है एक एक दो दो रुपए की आती है, पूरी लंबी स्टिक आती है, उसको आपको काटना है। तो आपको अब क्या करना है, आपको तीन बड़े डंडियाँ काटनी है। ठीक है, बड़े डंडियाँ काटना है आपको। तो मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास तीन है। ठीक है, सेम साइज़ के आपको तीन काटने होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने तीन काटे थे और जो है मैंने यहाँ से जो पिन है मैंने वो घुसा दिया था, और इसके ऊपर जो है ये थोड़ा अंदर का जो ये जो चीज़ होता है तो स्पॉन्जी होता है, तो मैंने यहाँ पे कील घुसा दिया था और ऊपर इसको लगा दिया। इसका रीज़न है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको ये तीन सेम साइज़ के काटने होंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टैंड करेगा ना, और आपको ऐसे लगाने के लिए दो काटने पड़ेंगे सेम साइज़ के कुल्फी स्टिक्स। ठीक है, तो अब हमें चाहिए होगा बेल पिंस। तो ये थोड़ा सावधानी से करें ये काम, कोई अगर आपके घर में बड़ा है तो उनसे काम कराइए, वो करा देंगे। फिर अगर कुछ ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फिर खुद ही कर सकते हो। तो एनीवेज, तो अब हम करेंगे क्या कि पहले इसको सीधा करके रखेंगे, इसको साइड कर देता हूँ। हमें पहले सामने और पीछे रखना है। ठीक है, और इसको ऐसे रखना है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तीन स्टिक्स हो गई सेम साइज़ के। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं ग्लू ग्लू लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे रखा और ग्लू लगा दिया, तो वैसे नहीं करना है हमको। हमको मज़बूत बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको पिन्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पिन लेंगे और जो ये जो जगह है हमें ऐसे तीन जगह में हमें घुसाने पड़ेंगे, एक इस साइड, एक बीच में, एक इस साइड। ठीक है, तो मैं आपको, और तीनों में करना है ये चीज़। ओके गाइस, तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने दो दो करके, मैंने सोचा दो दो करके लगा लूँ, तो आपको ऐसे दो दो करके घुसानी पड़ेंगी कील्स। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये बेल पिन्स आता है ये। ठीक है, स्टील पिन्स ये आपको मिल जाएगा स्टेशनरी के शॉप पे, तो आप मंगा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो सामने सामने आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा, ये पीछे लाएगा। तो हम ना ऐसे करके इसको स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो स्टैंड करने के लिए हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस पे ये किया था, कील घुसाया था। तो अब हम जो जो ऐसे करके लगाना होगा ना, जो ऐसे करके, तो इसको हम पहले इसमें घुसा लेंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले को हम जो है बीच में ऐसे करके, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, और लास्ट वाले को भी हम पीछे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो मैं लगा के दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अब जैसे देख सकते हैं कि मैंने कैसे लगाया। ठीक है, मैंने पहले इनमें पिंस लगा दिए थे दो दो साइड करके, और मैंने एक के बाद ये जो ऐसे करके लगाना होता है इसको एक के बाद एक की लगा दिया था। तो अब हम इस वाले साइड में भी ऐसे ही करेंगे, हमको तीनों में पहले इसमें लगाएंगे, फिर दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, फिर ऐसे करके स्टैंड कर जाएगा। ठीक है, फिर भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अब जैसे देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि आप लोग एक काम से कर सकते हो, आपको बैम्बू स्टिक लेके, आप मतलब कुल्फी स्टिक लेके, सॉरी, आप ऐसे करके लगा दो ऊपर से, थोड़ा सा घुसा के, एकदम नीचे नहीं करना, थोड़ा सा, और साइड में भी वैसा, और पीछे की साइड और इस साइड। तो आपका ऐसे बनेगा, मैं दिखाता हूँ बना के। ओके गाइस, तो आप जैसे ही देख सकते हैं कि हमने, मैंने यहाँ से दो कील घुसा दी है ताकि इससे ये हो जाए। ठीक है, तो
कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसके बाद जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है कि बीच का जो डंडा होता है वो मेन होता है, तो उसी के ऊपर पुराल बांधते हैं। तो एक काम कर सकते हो, ये जब ऐसे बन गया है, आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाया सिखाया था बहुत सा, वही वही से मैंने वैसे ही बनाया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा है। जैसे उसमें खाली सिंपल सा था उसमें, तो इसमें मैंने बहुत सिंपल सा बना रखा है। तो जब ऐसे बन जाएगा ये, मतलब प्लेटफॉर्म आपका थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या करना है कि आपको जो है पीछे का जो है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ के पीछे का जो है उसके ऊपर आप एक पतली सी कुल्फी स्टिक को बीच में ऐसे आधा कर लो और पीछे ऐसे लगा दो। और जब पीछे आप लगा दोगे, फिर आपको ऐसे स्ट्राइप स्ट्राइप काट के, मतलब कुल्फी स्टिक को जो है बीच में से स्ट्राइप स्ट्राइप काट के आप यहाँ, मतलब गम से चिपका सकते हो ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 करके, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक गम से। लेकिन उससे पहले आपको जो, जैसे यहाँ पे ऐसा है वैसे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा हो जाएगा। और जो है इसको अगर अगर और मजबूत करना है तो आप नीचे से जो है कील घुसा सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक मूर्ति में बनाऊंगा, दो मूर्ति बनने में मतलब तैयार हो रहे हैं। तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। और प्लीज़ अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि जो क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो मतलब समझते नहीं है, नंबर मांगते हैं, लेकिन यार मैं क्या करूँ, एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप पूछो, मैं वहीं पे आंसर दूंगा। चाहे आप फ़ोन करके पूछो या फिर ऐसे, मैं आंसर तो करूँगा ऐसा, तो मैं तो रूड नहीं हूँ ना, रूडली मैं किसी से बात नहीं करता। तो प्लीज़ प्लीज़ बात को समझो। तो प्लीज़ आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी आंसर हो, मैं कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सब सब क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो आज तक बोल रहा होगा कि नहीं देता आंसर, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप कर देना पीच, जैसे यहाँ पे लगाया उसमें लगा देना। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा शॉर्ट पड़ गया, नहीं तो मैं दिखाता। तो ऐसे जैसे सामने है तो वैसे इसके पीछे भी लगा देना। तो और उस ऐसे ऐसे मतलब कुल्फी स्टिक जैसा है ये, है ना, तो इसके मतलब बीच में से कैंची से पतले कास्टी से काट के स्ट्राइप काट लेना, बहुत सारे छोटे छोटे, तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे लगाने, ठीक है। तो फिर हो जाएगा पूरा। तो फिर उसके ऊपर आप जो है पुराल बांध सकते हो यहाँ पे। तो फिर आपका ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म जैसे आप पसंद करते हो वैसे आपको मिल गया, बस और क्या चाहिए। तो बस, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं बताता हूँ आंसर में। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं सोचा दिखाई देता हूँ, तो ऐसे आपने जैसे सामने मैंने कहा था तो पीछे भी मैंने ऐसे लगा दिया कील से, ठीक है, दिखा देता हूँ कील से। कुछ नहीं, बस कील का काम है आपको, मतलब थोड़ा क्रिएटिव माइंड को अपना जो है मतलब ये करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा इसमें, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे कुल्फी स्टिक था ये पूरा, ठीक है, तो मैंने जो है पेपर कटर आता है नटराज का, मैंने थर्माकोल वाले गहने वाले वीडियो में भी दिखाया था इसका यूज़। तो मैंने इसको बीच में से, एक कुल्फी स्टिक को बीच में से काट लिया, पतला वाला कुल्फी स्टिक लेना, ठीक है, और मोटा वाला, दोनों ले सकते हो, ठीक है। मोटा वाला जो है बीच के लिए रखा करो। तो अब क्या करना है कि बीच में आपको ऐसे करके लगाना है, ठीक है, इसके बहुत सारे स्ट्रिप्स काट लो, 1 2 और इसके लिए 3 4, ठीक है, ऐसे करके कर लो। और नीचे के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा नीचे के लिए क्यों ज़रूरत नहीं करना, ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।